आपके साथ शिखा कौशिक। आज हम अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समीर भाटी। तो आइए जानते हैं हेल्थ को लेकर उनका क्या कहना है। दरअसल हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी पॉल्यूशन फैलाने वाले बहुत ही छोटे छोटे कणों के बढ़ने से हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ये कण अगर लंग्स में चले जाते हैं तो खांसी और अस्थमा की शिकायत बढ़ सकती है। साथ ही ये हाई बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं। इससे हमें खुद को 100% तो नहीं हम बचा सकते, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। कोरोना का संकट लगभग खत्म हो गया है, वहीं इस साल सभी लोगों ने धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। लेकिन जो ये पॉल्यूशन फैल रहा है, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी घर से जाएं तो मुंह पर मास्क जरूर लगाकर जाएं, क्योंकि मास्क हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर देता है, ताकि ये हमारे नोज से एंटर नहीं कर पाए, जिससे सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। ऐसे में अच्छी क्वालिटी वाले मास्क का उपयोग करना पॉल्यूशन के बैड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है। हालांकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले लोगों को या वो लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव है, कोमॉर्बिड है, वो जितना पॉसिबल हो घर से कम निकलें, और अगर निकलना भी पड़े तो माइक्रोन फिल्टर वाले N95 मास्क पहनकर निकले, क्योंकि वो डस्ट और पॉल्यूशन को 95% तक फिल्टर कर देता है। वहीं अस्थमा के पेशेंट्स को अपने पास अपनी दवा ज़रूर रखनी है। इसके अलावा पॉल्यूशन आँखों को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें आँखों पर चश्मा ज़रूर लगा लें। अगर हो सके तो घर के बाहर की सड़क पर पानी छिड़काव करें, ताकि डस्ट पार्टिकल्स हवा में ना उड़े। डॉक्टर समीर भाटी जी, हालांकि इस हवा से बाहर आने जाने वाले ही नहीं बल्कि घर पर रहने वाले लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। जब तक एयर क्वालिटी खराब हो तब तक घर के अंदर पॉल्यूटेंट्स ना आए, इसलिए विंडोज वगैरह बंद रखें, और फ्रेश एयर के लिए एयर प्यूरिफायर या एयर प्यूरिफाइंग इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि तुलसी, मनी प्लांट, लेमन ग्रास, एलोवेरा। ये प्लांट्स आपके इंडोर एरियाज में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और एयर को प्यूरिफाई करके रखते हैं। जब तक पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है तब तक पॉल्यूटेड एरिया में एक्सरसाइज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके लंग्स में ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट्स के एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप घर पर योगा या एक्सरसाइज करें तो अच्छा रहेगा। अगर खांसी, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या थकान हो तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना। अब प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए क्या लोगों को अपनी डाइट में भी सुधार लाना चाहिए, इसके लिए आपकी क्या राय है? अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल करें, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप पोल्यूशन के बैड इफेक्ट से बच सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मौजूद हो, जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, आंवला। आंवले में तो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि फ्री रेडिकल्स की सफाई करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आप पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दही, हल्दी, बादाम और अदरक का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत बना सकते हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी का चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।